जी हाँ दोस्तों, सरकार की तरफ से बहुत ही अच्छी नई स्कीम और खुशखबरियां निकल कर आ रही है। यहाँ पर अपन जानेंगे 15 बड़ी खबरें हैं देश भर के अंदर, सभी हर एक भारतीय नागरिक को जान लेनी चाहिए। छात्रों के लिए भी बहुत अच्छी खुशखबरी है। पढ़ाई लिखाई करने वाले छात्र छात्राओं को, लड़के लड़कियों को 10-10 लाख रुपए देने की भी एक सरकार की स्कीम है। तो आइए आपको बताते हैं एक एक करके सभी खबरें विस्तार से। जी हाँ, पहली बड़ी खबर है दिल्ली में तेज आवाज में हॉर्न बजाने और शोर करने वाले अगर साइलेंसर आप गाड़ी पर लगाते हैं तो आपको 6,000 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। जी हाँ, आपको बता दें, दरअसल जस्टिस फॉर राइट्स फाउंडेशन की तरफ से दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल करके कहा गया कि प्रेशर हॉर्न्स वगैरह जो होते हैं ये बहुत शोर करते हैं, इससे ध्वनि प्रदूषण होता है, आम पब्लिक जनता को समस्या होती है और इसीलिए फाइनली उच्च न्यायालय ने ये निर्णय निकाल दिया। अब दिल्ली के अंदर कोई भी इस तरह का प्रेशर हॉर्न या मोटरसाइकिल में इस तरह का साइलेंसर नहीं लगा सकते जो कि ज्यादा प्रदूषण फैलाता हो। ओके, चलिए अगली बड़ी खबर है सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला है। हर उस जिले में बनाए जाए विशेष पॉक्सो कोर्ट जहां 100 से ज्यादा मामले लंबित हैं, 60 दिन में बनाएगी केंद्र सरकार। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार देश के हर जिले में, जी हां हर जिले में विशेष पॉक्सो कोर्ट बनाएगी जहां पर 100 से ज्यादा पॉक्सो मामले लंबित हैं, यानी कि जो छोटे बच्चे बच्चों के साथ कोई घिनौनी हरकत कर देते ना दोस्तों, तो उन मामलों को त्वरित गति से निपटने के लिए और उन पर तुरंत सजा सुनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने, यानी देश के सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को, मोदी सरकार को ये आदेश दिया है और 60 दिन के अंदर अंदर सरकार को ये टारगेट दिया गया है कि इस काम को पूरा किया जाए। अच्छी बात है दोस्तों, इससे कुल मिलाकर के अपराधियों में डर घुसेगा। चलिए अगली बड़ी खबर है कांवड़ के कारण गाजियाबाद के सभी स्कूल और कॉलेज 5 दिनों के लिए बंद रहने वाले हैं। जी हां, सावन शुरू हो चुका है और इस बार शिवरात्रि 30 जुलाई को मनाई जाएगी। सावन में शिव के भक्त कांवड़ लेकर शिवालयों में जाते हैं और शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं और इसी बीच गाजियाबाद प्रशासन ने स्कूलों और कॉलेजों को 5 दिन तक लगातार बंद रखने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 30/7/2019 तक सभी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। ओके, चलिए अगला अपडेट है, इस बैंक ने बंद किया अपना कारोबार। 26 जुलाई तक सभी ग्राहक खाते से निकालने पैसे, वरना बाद में आपको और ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। आज आपके पास लास्ट डे है। जी हाँ, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था दोस्तों, आदित्य बिड़ला आइडिया पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ABIPBL जो है वो आज से ही फाइनली अपनी सारी सर्विसेज को स्टॉप करने जा रहा है और ऐसे में अगर आपका उसके वॉलेट में अभी भी बैंक में खाते में पैसा जमा है तो तुरंत इस वीडियो को बाद में देखना, पहले से पहुंच कीजिए और उस वॉलेट से पैसा अपने खाते में ट्रांसफर कर दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है बाद में आपको और ज्यादा कोई प्रॉब्लम आ जाए। हालांकि आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा क्योंकि RBI के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ये बैंक अपनी सर्विसेज को स्टॉप करने जा रहा है, तो सभी कस्टमर्स का जितना भी पेंडिंग पेमेंट्स हैं उन सबको वापस डिस्ट्रीब्यूट कर देगा ये। लेकिन फिर भी आप जितना जल्दी हो सके इसके वॉलेट में से अपने पैसे को निकाल लें और दूसरे खाते में ट्रांसफर कर दीजिएगा। ओके, चलिए अगला अपडेट है बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बदल दिया यह नियम, अब होगी आसानी। जी हाँ दोस्तों, बिजली उपभोक्ताओं को अब हिंदी भाषा में भी बिजली का बिल मिल पाएगा। यूपी गवर्नमेंट ने, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जल्द ही इसे अमल में लाने का आश्वासन भी दिया। दरअसल दोस्तों, ज्यादातर राज्यों में जो बिजली बिल आते हैं वो अंग्रेजी लैंग्वेज में आते हैं और स्पेशली उत्तर प्रदेश में तो अंग्रेजी में ही आते हैं। इसके चलते कई लोगों की शिकायतें आई और समस्या देखने को मिली, कईयों को पता नहीं चलता किसान जो बेचारे गरीब होते हैं वो अंग्रेजी काहे को जाने। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ सरकार ने ये ऐलान कर दिया कि अब बिजली बिल जो हिंदी लैंग्वेज में भी आएगा। चलिए अगला अपडेट है, राजस्थान की गहलोत सरकार ने अन्नदाताओं को एक बड़ा तोहफा दिया है, लाखों किसानों का होगा करोड़ों रुपए का फसल बीमा। जी हाँ, राजस्थान के किसानों के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी है। प्रदेश की गहलोत सरकार अब अन्नदाताओं को एक नई सौगात देने जा रही है। दरअसल आपको बता दें, सहकारिता मंत्री उदयलाल अंजना ने ये घोषणा की है कि राज्य सरकार सहकारिता से जुड़े किसानों का फसल बीमा करवाएगी। इस दौरान लाखों किसानों को इस योजना के तहत फसल बीमा से जोड़ा जाएगा, यानी कि किसानों को अगर फसल ज्यादा बरसात की वजह से या कम बरसात की वजह से फसल में नुकसान हो जाता है, घाटा हो जाता है, तो उसकी भरपाई सरकार करके देगी। राजस्थान सरकार की तरफ से ये नई पहल शुरू की गई है, अच्छी बात है। चलिए अगला अपडेट है, सावधान रेल कर्मी, कामचोर कर्मचारियों को घर भेजने की तैयारी कर रहा है रेलवे। जी हाँ, इंडियन रेलवे के अंदर यानी भारतीय रेलवे के अंदर जो कोई भी कर्मचारी काम करते हैं और जो कोई भी हरामखोरी करते हैं, काम चोरी वाले नेचर के जितने भी रेलवे कर्मचारी हैं उनको रेलवे अब घर भेजने की तैयारी कर चुका है। और ऐसे में आपको बता दें दोस्तों, इंडियन रेलवे की तरफ से कड़ी कार्रवाई की जा रही है अपने कर्मचारियों को पूरा वर्किंग सिस्टमेटिक तरीके से करवाने को लेकर, अच्छा अपडेट है। चलिए अगली बड़ी खबर है, पंजाब राज्य को लेकर 35 के बजाय 25 एकड़ के साथ खोल सकेंगे प्राइवेट यूनिवर्सिटी, पहले इसमें मैरिज करना हुआ महंगा। जी हाँ, पंजाब सरकार ने कुछ बड़े फैसले लिए हैं। कैबिनेट की जो बैठक हुई पंजाब गवर्नमेंट की, उसमें अहम फैसले लिए गए और उन्हीं में से एक है दोस्तों, मैरिज पैलेस में हर फंक्शन के 500 के बजाय अब आपको 1000 रुपए देने होंगे। इसके अलावा तेल टैंकर पर प्रति चक्कर 100 रुपए, अंग्रेजी शराब पर प्रति बोतल 10 रुपए, देसी शराब बियर पर प्रति बोतल 5 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे अब। और वहीं यूनिवर्सिटीज खोलने के मामले में कैप्टन ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा पंजाब में और इसीलिए यहां पर इस नियम को आसान कर दिया। पहले जहां दोस्तों 35 एकड़ जमीन कंपलसरी यानी अनिवार्य थी तभी प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोल सकते थे, तो वहां पर पंजाब सरकार ने महज 25 एकड़ ही कर दिया। 25 एकड़ जमीन वाले भी अब यूनिवर्सिटी खोल पाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए कैबिनेट बैठक में ये अच्छे फैसले लिए गए हैं। चलिए अगली बड़ी खबर है, लॉकर में रखे सोना और चांदी और केस नहीं होते हैं ज्यादा सुरक्षित, बैंक ग्राहकों को नहीं बताते ये बात। जी हाँ, हालांकि हम जब भी हमारी कोई बेशकीमती या महत्वपूर्ण चीज होती है तो उन्हें बैंक के लॉकर में रखते हैं, राइट, लेकिन क्या आपको पता है कि वो सचमुच पूरी तरह से सुरक्षित है? ये कि
यकीनन इस बात का पता अक्सर ग्राहकों को नहीं होता, बैंक इस बात की जानकारी लॉकर देते वक्त कस्टमर को भी नहीं बताते हैं। जी हाँ, आपको बता दें, बैंक में चोरी, आग या किसी दूसरे कारण से अगर लॉकर में रखे सामान को नुकसान पहुँचता है तो उसकी जिम्मेदारी बैंक की नहीं होती है, बल्कि ऐसे में ग्राहक को कुछ नहीं मिलता। जी हाँ, बैंक का ये नियम है, कानून है, RBI का रूल्स एंड रेगुलेशन है। मतलब आपके बैंक खाते में जो पैसे पड़े हैं उनमें से भी 1 लाख रुपए तक की जिम्मेदारी बैंक की होती है, 5 लाख भी पड़े हैं तो 4 लाख बैंक की जिम्मेदारी में नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा बैंक के लॉकर में अगर कोई भी सामान पड़ा है, 1 रुपए से लेकर 1 करोड़ तक का भी और कोई भी महंगा सामान भी पड़ा है, तो भी बैंक की उसकी जिम्मेदारी नहीं होगी। कोई उसे चोरी करके ले गया, जल गई, खो गई, कुछ भी हो गया, तो आपकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो आइंदा लॉकर में कोई ऐसी इंपॉर्टेंट पर्सनल चीज रखने से पहले जरूर आप सोच विचार कर लीजिएगा। और उससे भी ज्यादा, हालांकि कई सारे प्राइवेट बैंकर्स होते हैं जो आपको सिक्योर फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, तो ऐसे में आपको रन टाइम पर बैंक के टर्म्स एंड कंडीशंस को जरूर ध्यान से पढ़ लेना चाहिए। वहां पर आपको सारा चीज क्लियरिफिकेशन हो जाएगा कि बैंक की कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी या कितने प्रतिशत वापस आपको रिटर्न के रूप में मिलेगा। हालांकि बेसिकली लॉकर की कुछ नियम और शर्तें होती है, जिनमें लॉकर में सामान रखने के लिए आपकी कम से कम उम्र 18 साल होना जरूरी होता है। वहीं कुछ बैंक आपसे सेविंग बैंक अकाउंट भी खुलवाते हैं कंपलसरी। इसके अलावा अलग अलग बैंकों की अलग अलग टर्म्स कंडीशंस होती है, तो उनको आप पढ़ करके ही लॉकर का इस्तेमाल कीजिएगा। चलिए अगली बड़ी खबर है, बीजेपी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, न्यूनतम मजदूरी बढ़ाकर 10,000 से ऊपर कर दिया और इससे करोड़ों लोगों को फायदा होगा। जी हां, आपको बता दें, बीजेपी शासित राज्य महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले मजदूरों को बड़ा तोहफा दिया और फडणवीस सरकार ने न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। आपको बता दें, इस बढ़ोतरी के साथ ही मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी पहले से लगभग दुगुनी हो जाएगी और फडणवीस सरकार के इस फैसले से राज्य की तकरीबन 10 लाख दुकानदारों को और 1 करोड़ से भी ज्यादा मजदूरों को लाभ मिलेगा। जी हां, आपको बता दें, मजदूरी में बढ़ोतरी के बाद जहां पहले स्किल्ड मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी 5800 रुपए थी, उसको सीधा बढ़ाकर 11632 कर दिया, मतलब 11632। वहीं सेमी स्किल्ड मजदूरी की मजदूरी जहां 5400 थी, उसको बढ़ाकर 10856 कर दिया। वहीं नॉन स्किल्ड की 5000 से बढ़ाकर 10021 कर दिया, तो सीधा लगभग डबल बढ़ा दिया। अच्छी बात है, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। ओके, चलिए अगला अपडेट है, किया मोटर्स जो है वो 31 जुलाई को पेश करने जा रही है कंपनी की पहली मेड इन इंडिया कार, सेल्टोस करके ये मॉडल है, डिटेल आप देख सकते हैं इसकी स्क्रीन पर। चलिए अगला अपडेट है दोस्तों, नोएडा में 100 चार्जिंग स्टेशन लगाने को लेकर तैयारी शुरू हो चुकी है और EESL लगाएगा। जी हां, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड जो कि भारत सरकार का उपक्रम है, उसने देश में चार्जिंग इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए 100 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अच्छी बात है, देश में तेजी से इससे इलेक्ट्रिक व्हीकल अपनाने की रफ्तार लोगों में बढ़ेगी। चलिए अगला अपडेट है, ICSI का CS फाउंडेशन रिजल्ट घोषित हो चुका है और टॉप 3 में लड़कियों ने बाजी मारी है। जी हां, आपको बता दें, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया यानी ICSI फाउंडेशन एग्जाम का रिजल्ट जारी हो चुका है। 8 जून 9 जून को जो एग्जाम हुए थे उसमें लड़कियों ने बाजी मारी है और टॉप 3 में रहने वाली है, तीसरे स्थान पर शिवानी कुमारी, अनुष्का जितेंद्र भोई सेकंड पर और लवीना मार्सेल ने टॉप रैंकिंग हासिल की है। चलिए अगला अपडेट है दोस्तों, गैलेक्सी नोट 10 प्लस का प्री ऑर्डर हुआ शुरू, फ्री में मिलेगा गैलेक्सी नोट 10। जी हां, अच्छी खबर दोस्तों, दक्षिण कोरिया की कंपनी सैमसंग 7 अगस्त को गैलेक्सी नोट 10 लॉन्च करने वाली है और इस फोन को लेकर काफी समय से खबरें आ रही हैं और एक टिप्स्टर के जरिए फोन के 5G वेरिएंट की जानकारी भी मिली थी। इस फोन के 5G वेरिएंट यानी कि गैलेक्सी नोट 10 प्लस 5G को वेरिजोन पर प्री ऑर्डर के लिए उपलब्ध करा दिया गया है और ये प्री ऑर्डर के लिए फिलहाल अमेरिका में ही उपलब्ध है और ऐसे में इसको प्री ऑर्डर करने के बाद आपको गैलेक्सी नोट 10 फ्री मिलने का ऑप्शन भी है, जहां पर आप जीत पाएंगे इसकी प्री ऑर्डर बुकिंग में बिल्कुल फ्री में गैलेक्सी का मोबाइल, स्टैंडर्ड वेरिएंट आपको फ्री मिलेगा। चलिए अगला अपडेट है दोस्तों, छात्रों पर मेहरबान हुई दिल्ली सरकार, फीस भरने से लेकर 10 लाख रुपए लोन देने की योजना पर काम शुरू हो चुका है। बहुत ही अच्छी खबर है दोस्तों, राजधानी के पढ़ने वाले लाखों करोड़ों छात्र छात्राओं के लिए, दिल्ली के छात्राओं के लिए दो अच्छी खबरें हैं। पहली ये कि दिल्ली के सभी CBSE से संबद्ध सरकारी स्कूलों की फीस आम आदमी पार्टी सरकार भरेगी। जी हां, सरकार ने फीस भरने का ऐलान कर दिया, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये घोषणा कर दी है। बता दें कि अभी तक CBSE बोर्ड स्टूडेंट्स को 1500 रुपए फीस देनी पड़ती थी, लेकिन अगले साल से उनके बदले सरकार ये फीस भरेगी। और दूसरी बड़ी और अच्छी खबर है 12वीं बोर्ड के छात्रों के लिए, वो ये कि दिल्ली के उपमुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने घोषणा की है कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों से 12वीं बोर्ड परीक्षा पास करने वाले आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को अगर आगे की पढ़ाई करने के लिए लोन की जरूरत पड़ती है तो दिल्ली सरकार सीधे ही उन्हें मदद करेगी। और उन्होंने कहा कि ऐसे में छात्रों को दिल्ली सरकार की तरफ से 10 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा, जिससे छात्र अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अगले 15 सालों तक आराम से चुका सकते हैं। जी हां, आपको बता दें, दिल्ली सरकार ने इस स्कीम का नाम क्या दिया पता, हायर एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट गारंटी स्कीम इस योजना को नाम दिया गया और इसके लिए अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया स्कीम को सपोर्ट करने वाले 13 बैंकों के अधिकारियों से भी मिल चुके हैं और इन बैंकों को निर्देश भी दिया गया है कि वे अपनी हर शाखा और कर्मचारी को इस स्कीम के बारे में अपडेट रखें, ताकि जब भी कोई स्टूडेंट्स इस लोन की प्रक्रिया को समझने आए या लोन लेने आए तो उनको कोई दिक्कत नहीं आए। इसके लिए उन बैंक की शाखाओं में स्कीम के पोस्टर भी लगाए जाएंगे और इस स्कीम के लिए सरकार ने टोटल 30 करोड़ रुपए का फंड भी बनाया है। तो दिल्ली के छात्र छात्राओं के लिए दो अच्छी खबरें हैं और इसके साथ ही सरकार ने छात्र छात्राओं के लिए कुछ और बड़ी घोषणाएं भी की हैं, जिसमें इस साल कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 90% या उससे अधिक अंक
हासिल करने वाले सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया जाएगा। इसके अलावा मनीष सिसोदिया ने उच्च शिक्षा के लिए मौजूदा स्कॉलरशिप के बारे में भी बताया है और कहा कि दिल्ली सरकार उन छात्रों को स्कॉलरशिप भी देती है जो दिल्ली स्थित किसी विश्वविद्यालय या कॉलेज में हायर एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं। तो ये थी दोस्तों गवर्नमेंट स्कूल्स के स्टूडेंट्स के लिए दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से नई योजना, जिसमें 10-10 लाख रुपए तक का भी छात्रों को फायदा होगा और इसके अलावा भी बहुत सारे फायदे हैं जो उम्मीद आपको जरूर जानने मिले होंगे। चलिए अगला अपडेट है दोस्तों, अच्छी खबर है छात्र छात्राओं के लिए, अब कर सकेंगे 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स और इसी सत्र से मौका मिल सकेगा। जी हाँ, अब आप 12वीं बाद के बाद सीधे ही बीएड कोर्स कंप्लीट कर पाएंगे। इसको लेकर सरकार की तरफ से अच्छा अपडेट आया। दरअसल बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी बीएड करने के लिए अब ग्रेजुएशन के बाद अलग से 2 साल का कोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केंद्र सरकार ने इंटीग्रेटेड बीएड शुरू करने की योजना तैयारी पूरी कर ली है और गुरुवार को राज्यसभा में भी इसकी जानकारी दी गई है। प्रश्नकाल में मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा था कि 4 साल के इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स के लिए अधिसूचना भी जारी की जा चुकी है और इसी शैक्षणिक सत्र से विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों में इस सिस्टम को लागू कर दिया जाएगा। अच्छी बात है। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में ये आज दिन भर की बड़ी खबरें, सरकार के कुछ नए स्कीम अपडेट, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो थी उम्मीद आपको जानने मिली होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा और दबा के शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों कि आप अभी किस क्लास में या किस सब्जेक्ट में किस एजुकेशन कोर्स में पढ़ाई कर रहे हैं, क्या पढ़ाई कर रहे हैं अभी आप, कौन सा ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री वाला कोर्स कर रहे हैं, मतलब अभी आपकी एजुकेशन कौन सी चल रही है, आप हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा ताकि हम आपकी पढ़ाई से संबंधित स्टडी मटेरियल, जनरल नॉलेज क्वेश्चंस, आंसर, करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चंस आपके मोबाइल तक पहुंचा पाएंगे वीडियोस के माध्यम से। तो जल्दी से लिख डालिए इसका जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में। ओके, तो इसी में आज की बड़ी खबरें खत्म होती है। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आप और हम आपस में जुड़े रहेंगे और हमेशा एक दूसरे के साथ काम की खबरें शेयर कर पाएंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।